हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर टेन है उसकी एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। तो देखिए, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द इक्वेशन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब आपको क्या करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक ग्राफ दे रखा है। तो देखो, ग्राफ में बार ग्राफ क्या होता है, किसी ग्राफ में जब आप रेक्टेंगल फॉर्म में, ठीक है, आपके ये बने हुए होते हैं, ये एक्स एक्सिस पर अगर आप रेक्टेंगल बना देते हो तो ये क्या कहलाती है, हमारी बार कहलाती है। तो ये एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, इसको हम वाई एक्सिस पर भी बना सकते हैं। तो वाई एक्सिस पर बनाते हैं तो ये क्या बन जाती है, हमारी इस टाइप से बन जाती है। और अगर आप एक्स एक्सिस पर बनाओगे तो आपके वो बार इस टाइप से बन सकती है। तो आपकी मर्जी है, आपको एक्स एक्सिस पर बनानी है या वाई एक्सिस पर बनानी है, हम किसी पर भी बना सकते हैं, बट ज़्यादातर यूजुअली हम एक्स एक्सिस पर करते हैं, यानी कि आपकी जो बार है वो बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह हॉरिजॉन्टल हम कम बनाते हैं बार। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको क्या दे रखा है, ग्राफ में एक्स एक्सिस पर आपको मंथ दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। और वाई एक्सिस पर आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ कार मैन्युफैक्चर, यानी आपको कितना दे रखा है, 0, 10, 200, 300, 400, 500 और 600। अब आपको स्केल हमेशा लिखना है, जैसे यहाँ पर स्केल आपको दे रखा है 1 यूनिट किसके बराबर है, 100 कार के बराबर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, 100 कार के बराबर है। तो इस ग्राफ को देख के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इससे अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मंथ व्हेन द लीस्ट कार वर मैन्युफैक्चर्ड। आपको इसमें ग्राफ को देख के बताओ, सबसे कम कार किस मंथ में बनी है। तो देखो, जनवरी में 300 है, फेब में अपनी कितनी है, 450, देन मार्च में भी 400, अप्रैल में आपकी 500 है, मई में अपनी कितनी, सिर्फ 200 है, और जून में भी हमारी 600, सबसे ज़्यादा है जून में। तो लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा है, लीस्ट कार यानी सबसे कम कार किस मंथ में, मई में है। तो अपना आंसर इसका अपन लिखते हैं, फर्स्ट का ए पार्ट अपना कितना जाएगा, मई, मई मंथ व्हेन द लीस्ट कार, व्हेन द लीस्ट कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसका बी पार्ट, बी पार्ट में क्या दे रखा है आपको, हाउ मेनी लेस कार वर मैन्युफैक्चर्ड इन मंथ ऑफ मार्च देन इन द मंथ ऑफ जून। तो अब आप क्या करोगे, मार्च और जून इन दोनों के कार जितनी जितनी मैन्युफैक्चर्ड हुई है, सबसे पहले हम वो लिखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मार्च और जून की लिखेंगे ना, मार्च में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, मैन्युफैक्चर्ड कार इन मार्च मंथ कितनी है अपनी, देखो मार्च में कितनी कार है, 400 है, तो अपने क्या लिख दिया, 400 कार। इसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, वही मैन्युफैक्चर्ड कार्स इन, अब कहाँ पे लिखना है, जून, तो जून में देखो, जून मंथ, अब जून मंथ में कितनी है अपनी, 600 है, हम क्या लिखेंगे, 600 कार्स लिख देंगे। अब देखिए, अब हमें क्या बताना है कि आपको बताना, हाउ मेनी लेस कार वर मैन्युफैक्चर द मंथ ऑफ मार्च दैन द मंथ ऑफ जून। तो अब हम क्या करेंगे कि भाई आपको कितना कमी है, देखो मंथ में, मार्च में तो 400 ही है, जून में कितनी, 600, तो मार्च में कितनी कम कार हैं, इन दोनों का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेस कार, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 600 माइनस 400, आप चाहो तो इसको इक्वेशन वन इक्वेशन टू डाल दोगे, ठीक है ना, वन और टू डाल दोगे, उसका क्या करोगे, इक्वेशन वन टू माइनस इक्वेशन वन, इस टाइप से करोगे, जब टू माइनस वन कर दोगे अब आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 600 माइनस 400 कितना आया, 200, तो ये अपने आएगा 200 कार्स। तो भी का आंसर अपना कितना हुआ, हाउ मैनी लेस कार लिखा है ना इसके अंदर, तब आप क्या लिख दोगे, 200 लेस कार, तो उसका पूरा पूरा ये हम लिख देते हैं, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अब जैसे 200 आ गया ना, तो बस अब आपको सिंपली आप क्या लिख दोगे, 200 लेस कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड
इन द मंथ ऑफ मार्च देन इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो पूरे स्टेटमेंट के साथ आपको लिखना है। इसका आप करेंगे अपन सी पार्ट। सी पार्ट में आपको देखिए क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कार मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी टू दैट ऑफ अप्रैल। तो आप सबसे पहले लिखोगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जनवरी और अप्रैल देखना है। तो जनवरी में देखो, जनवरी में मैन्युफैक्चर्ड कितनी कार हुई हैं, 300, और उसके बाद आपको अप्रैल, अप्रैल में कितनी हुई है, 500। तो सबसे पहले अपन कार लिख देते हैं कौन से मंथ में, जनवरी। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, जनवरी, ठीक है, या जनवरी डायरेक्ट आप लिख दो मैन्युफैक्चर्ड कार्स इन जनवरी। जनवरी कितनी है आपकी, देखो 300 है ना, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 300। इसी तरीके से अब आपको किसका निकालना है, अप्रैल का निकालना है, तो अप्रैल में देखो अप्रैल में कितनी है, 500 है ना, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे इसमें, मैन्युफैक्चर्ड कार्स इन अप्रैल कितनी अपनी, 500 है ना, देखो अप्रैल में 500 है। तो अब आपने क्या बताना है, इनका रेशो बताना है आपको, कि इन दोनों का रेशो बताना है जनवरी टू अप्रैल। तो हम क्या लिखेंगे, रेशो अपना कितना हो जाएगा, इसको 1 डाल दो, इसको 2, तो रेशो क्या करेंगे अपना कितना जाएगा, 300/500। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, इक्वेशन 1 डिवीजन बाय 2। अब देखो जब हमने इसे करा तो ये हमारा क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इतना कितना जाएगा, 3/5। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रेशो फॉर्म में कितना हो जाएगा, 3:5, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन फर्स्ट के ए बी सी तीनों पार्ट अपने कंप्लीट होते हैं। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको होमवर्क में करेंगे। आप इसमें देखो क्वेश्चन देखना, और अब इसके अंदर क्या दे रखा, आपको वर्टिकल ग्राफ बना रखें, तो इस ग्राफ को देख के आपको इन सब के आंसर लिखना है। तो अब आप इस ग्राफ को देख के इन सब के आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप किस में करोगे, होमवर्क में करोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। अ क्लास टुक अ वोट टू डिसाइड वेयर टू गो फॉर अ ट्रिप, यूज़ द गिवन बार ग्राफ टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको ये एक ग्राफ दे रखा है, इसके अंदर आपको एक्स एक्सिस पर क्या दे रखी है, ट्रिप स्पॉट, यानी जैसे कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम, वाटर पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिल स्टेशन एंड सी साइड। और यहाँ पर आपको वाई एक्सिस पर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको वही दे रखा है, 1 यूनिट बराबर कितने हैं, 4 स्टूडेंट्स। देखिए 1 यूनिट बराबर 4 स्टूडेंट्स, यानी 4 आपको डिफरेंस दे रखा है। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। आपको बताना है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो अब आप क्या करोगे कि टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करोगे, तो वाटर पार्क पे कितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं, 60 स्टूडेंट्स है ना, तो 16 हो जाएगा। इसके बाद वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में कितने स्टूडेंट्स हैं आपके, 8। हिल स्टेशन में कितने, अब देखो इन दोनों के मिड की लाइन है ना, तो 8 और 12 के मिड की लाइन क्या आएगी अपने, 10 आएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। इसके बाद सी साइड पर कितने स्टूडेंट्स हैं आपके टोटल, देखो ये भी मिड पॉइंट है ना, 12 और 16 का मिड पॉइंट क्या होगा अपना, 14। तो यहाँ पर स्टूडेंट कितने, 14 है। अब हमें टोटल स्टूडेंट फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे। तो देखिए टोटल करते हैं हम, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि स्टूडेंट्स, देखिए फिर हमने लिख लिया, जैसे मैंने आपको ग्राफ में पहले नंबर मेज़र कर दिए थे आपको मार्क करे, उसको फिर हमने क्या करा, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया। जैसे स्टूडेंट्स टुक अ वोट टू गो फॉर वाटर पार्क ट्रिप 16,
स्टूडेंट टुक अ वोट टू गो फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ट्रिप एट ऑफ, इसी तरीके से आप पूरा स्टेटमेंट लिख देना, मैंने इस तरीके से लिखा है, आपको सेम एज इट इज़ लिखना है। स्टूडेंट टुक अ वोट टू गो फॉर हिल स्टेशन ट्रिप 10, और इसी तरीके से स्टूडेंट्स टुक अ वोट टू गो फॉर सी साइड ट्रिप 14, तो टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हो जाएंगे, इन सब का टोटल करेंगे आप कितना जाएगा, 16 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14 कितना जाएगा आपका, 48 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा इसका थर्ड का ए पार्ट, आपका ए पार्ट कंप्लीट हुआ, 8 का आंसर आपका कितना जाएगा, 43। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, देखिए बी पार्ट में क्या है आपको, वेयर डिड द मेजोरिटी टू स्टूडेंट्स वांट टू गो, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कहाँ जाना चाहते हैं, तो देखो जैसे हमने मार्क करा था तो वाटर पार्क पर कितने थे, 16, बाकी सब पर कम कम थे ना, तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ जाना चाहते हैं, वाटर पार्क पर जाना चाहते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जब मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू गो टू वाटर पार्क, तो इसका आंसर अपन लिखते हैं, इसका आंसर अपन लिख देते हैं, देखिए वाटर पार्क आंसर है इसका, तो हम क्या लिखेंगे, वाटर पार्क, तो सबसे पहले आप लिख दोगे द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू गो, क्या जाएगा हमारा, वाटर पार्क, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, तो देखिए आपको पूरा आंसर दिखेगा, द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वांट टू गो वाटर पार्क। अब हम क्या करेंगे इसका सी पार्ट करेंगे, सी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोट फॉर हिल स्टेशन, कि हिल स्टेशन पर कितने स्टूडेंट्स ने वोट दिए, तो आइए देखते हैं, हिल स्टेशन पर देखिए, हिल स्टेशन हमारा कहाँ है, यहाँ पर हिल स्टेशन पर कितने बच्चे जाएंगे, कितने बच्चों ने वोट दिए, 10 बच्चों ने वोट दिए ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो हम इसका आंसर लिखते हैं, देखिए इसका आंसर लिखते हैं हम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे, 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स वोटेड फॉर हिल स्टेशन, ठीक है, तो सी आंसर, इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड का अपना ए बी सी तीनों पार्ट अपन ने कर लिए हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो इसी तरीके के आप क्वेश्चन नंबर थ्री को कीजिएगा, एक बार आप वीडियो में से देखें, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बिना देखे भी क्वेश्चन किया कीजिए, तो बाकी के क्वेश्चन अपन आप नेक्स्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं अपन, द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल सेल्स ऑफ गुड इन अ शॉप फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, अब मंडे टू फ्राइडे की आपको क्या करनी है, टोटल सेल देखनी है, देखो तो एक्स एक्सिस पर तो हमारी क्या डेज हैं, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, और वाई एक्सिस पर आपकी क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स इन अ थाउजेंड, थाउजेंड में देखिए अब क्या है यहाँ पे, जीरो से टू स्केल क्या है हमारा, वन यूनिट बराबर 2000 है, तो देखो ये 2000 ये 4000, अब जैसे हम इसकी बात करें तो मंडे पर कितनी सेल हुई हमारी, 4 आ रहा है ना, तो 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4000, तो मंडे पर कितनी सेल हुई अपनी, 4000, ट्यूसडे पर 6000 हुई, वेनेसडे पर आपकी 10000 हो रही है, और थर्सडे पर आपकी कितने हो रही है, इन दोनों के मिड में है ना, तो कितनी हो जाएगी, 5000, और फ्राइडे पर हमारी कितना है, 6 और 7 के मिड में, यानी कि 7000, तो इस तरह से हमने ग्राफ को क्या करा, अच्छे से रीड किया, अब देखिए अब हमें क्या करना है, रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द टोटल सेल ऑन मंडे, तो देखो मंडे पर टोटल सेल कितनी है, मंडे पर 4 आ रहा है ना, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या है अपनी, ये 4000 में, तो अपना फर्स्ट का आंसर कितना आ जाएगा, मंडे कितनी सेल हुई हमारी, 4000, तो इसका हम आंसर करते हैं अपना क्या है, 6 का ए पार्ट, तो फाइंड द टोटल सेल ऑन द मंथ कितनी हो जाएगी अपनी, 4000, 4000 क्या लिखेंगे हम, सेल्स ऑन मंडे, ठीक है, तो 4000 सेल्स ऑन मंडे आ जाएगा। अब बी पार्ट करते हैं हम, बी पार्ट में क्या है, ऑन विच डे द सेल वाज मैक्सिमम, अब देखो सबसे ज़्यादा सेल कहाँ हुई है, वेनेसडे को हुई है 10000, तो कौन सा डे है, वेनेसडे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, वेनेसडे द सेल वाज मैक्सिमम। अब सी पार्ट करते हैं हम, तो सी पार्ट में क्या करेंगे,
ऑन विच डे द सेल वाज मिनिमम। अब देखो सबसे कम सेल कहाँ हुई है, एक तो देखो ये मंडे को 4000, और थर्सडे को भी कम है लेकिन 5000 है, तो सबसे कम कहाँ हुई है, मंडे को। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना, मंडे, मंडे द सेल्स वाज मिनिमम। इसके बाद है अपना डी पार्ट। डी पार्ट में आपको क्या पूछा है, फाइंड द कम्बाइंड टोटल सेल्स ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे। तो आपको करना है, आपको टोटल क्या बताना है, ट्यूसडे और फ्राइडे की सेल। तो देखिए ट्यूसडे की सेल कितनी हो जाएगी, द सेल्स ऑन ट्यूसडे, द सेल्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को देखिए कितनी सेल हुई है ट्यूसडे को आपके, 6000 हुई है ना, तो हम क्या लिखेंगे 6000। और फिर सेल्स ऑन ट्यूसडे के बाद फ्राइडे, अब देखो फ्राइडे को कितनी सेल हुई है अपनी, 7000 हुई है ना, देखो 7 पर आ रहा है ना 7000। अब उसने क्या हमें बताया, फाइंड द कंबाइंड टोटल सेल ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे, तो हम क्या लिखेंगे, कंबाइंड द, कंबाइंड टोटल सेल्स ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे कितना हो जाएगा अपना, इन दोनों का टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 प्लस 7000 कितना आ जाएगा आपका, 13000, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 अपना कंप्लीट हुआ। आपको क्या करना है, बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमने नहीं कराए हैं आपको, ठीक है ना, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप क्या करोगे, होमवर्क में करोगे। तो अपनी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है, बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क में करना। अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो डाउट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं।